हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में प्रश्नावली 4 पे और क्वेश्चन नंबर है 3 कह रहा है निम्न वितरण का बहुलक निकालना है। देखिए यह जो आकार दिया गया है नहीं, इसका जो वर्ग अंतराल दिया है ये अंतिव्यापी विधि में दिया है, तो सबसे पहले तो हमें इसे अतिव्यापी में बदलना होगा। तो लिखेंगे वर्ग अंतराल यानी कि यहाँ पे हमारा जो आकार दिया ना उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, आकार जो दिएगा ना उसके बारे में बात कर रहे हैं। वर्ग अंतराल कि निम्न सीमा में 0.5 जो रिक्ति होती है, रिक्ति आपको पता है, यहां देखो 10 है यहां 11 है, तो किसी वर्ग की उच्च सीमा है ना और उसके अगले वर्ग की निम्न सीमा के बीच का अंतर ही रिक्ति कहलाता है। तो रिक्ति का हाफ यानी 0.5 एक का अंतर है, तो आपका 0.5 को निम्न सीमा में 0.5 को घटाने तथा उच्च सीमा में 0.5 जोड़ने पर, देखिए घटाते हैं और जोड़ते हैं, निम्न सीमा में घटाते हैं और उच्च सीमा में जोड़ते हैं तब देखिए क्या होता है हमारे वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल आपका अतिव्यापी बन जाएगा, अंतिव्यापी से किसमें बदल जाएगा, अतिव्यापी बदल जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें अतिव्यापी में रखना होगा, चलिए आकार और यहाँ पे उसकी बारंबारताएं लिख देते हैं। तो क्या करना है हमें, निम्न सीमा में 0.5 घटाएंगे तो हो जाएगा 5.5 और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 10.5। इसमें घटाएंगे 11 में से 0.5 घटेगा तो हो जाएगा 10.5 और इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15.5। इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा 15.5 और इसके उच्च सीमा में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20.5। इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा 20.5 और इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 25.5। इसमें घटाएंगे तो 25.5 और उच्च सीमा में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30.5। तो देखें तो अतिव्यापी में बदल गया ना। चलिए अब इनकी बारंबारता लिखते हैं, 20, 30, 50, 40 और 10। यहां लिखेंगे कि वर्ग 15.5 से 20.5 की बारंबारता सर्वाधिक है। इसकी बारंबारता सर्वाधिक है तो यहां पे जो बहुलक वर्ग जो होगा वह बहुलक वर्ग यही हो जाएगा, क्योंकि इसकी बारंबारता सर्वाधिक हो रही है तो बहुलक वर्ग हो जाएगा 15.5 से 20.5। तो L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी 15.5, बहुलक वर्ग की बारंबारता आपका F1 होता है, इसके ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता F0, उसके ठीक नीचे वाले वर्ग की बारंबारता F2, यानी कि F1 जो है आपका 50 है, F0 जो है आपका 30 है, F2 जो है वो आपका 40 है। और वर्ग माप या वर्ग ऊंचाई की बात करें तो इसमें से इसको घटा दो तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब निकालते हैं बहुलक, तो बहुलक बराबर में हो जाएगा L+F1-F0 बटा में 2F1-F0-F2 और गुना में H। चलिए आगे रख के इसे सॉल्व करते हैं। L का मान है 15.5 प्लस में F1 का मान है 50, F0 का मान है 30 बटा में 2×50 माइनस में 30 माइनस में 40 और H का मान है आपका 5। 15.5 प्लस में ऊपर यहाँ घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, नीचे देखिए क्या आता है, ये देखो यहाँ 100 होगा, ये 70 घटेगा तो 70 घट जाएगा आपके 100 में से, तो आ जाएगा 30 और गुना में 5, 0 से 0 गया 15.5 और प्लस में 10/3। चलिए 10 में 3 से भाग करते हैं तो देखिए क्या आता है, तो 3×3=9 3.33 आएगा लगभग, ऐसे ही आएगा आपका, ठीक है। तो अब जोड़ देते हैं इन दोनों को तो कितना हो जाएगा ये 18.83, ये आपका बहुलक निकल के आ गया, समझ गए। क्वेश्चन नंबर